आपने जो कोई क्वेश्चन है गिवन है, इसमें ए की पावर -50 की वैल्यू निकालनी है थीटा इक्वल टू पाई बाय 12 पे, ठीक है। तो ए गिवन है अपने को कितना, कोस थीटा माइनस साइन थीटा और ये कोस थीटा। तो अब हम क्या निकालेंगे, ए स्क्वायर निकालने की कोशिश करेंगे। तो ए स्क्वायर क्या आ जाएगा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा, ऐसे ही यहाँ पर आ जाएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा। तो ये जो ए स्क्वायर आएगा हमारा, ये आएगा कितना, पहली रो फर्स्ट कॉलम, तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा माइनस साइन थीटा कोस थीटा माइनस कोस थीटा साइन थीटा, ऐसे ही यहाँ पर आ जाएगा कितना, साइन थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा, यहाँ पर आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हमें पता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कोस 2 थीटा, और हमें पता है साइन 2 sin थीटा कोस थीटा कितना होता है, साइन 2 थीटा। तो ये जो वैल्यू आ गई है हमारी, आ गई कोस 2 थीटा और ये आ जाएगी माइनस साइन 2 थीटा और ये आ जाएगी साइन 2 थीटा और ये आ जाएगी कोस 2 थीटा। इसको अगर आप करना चाहो तो एक बार और कर सकते हो, लेकिन मैंने किया हुआ है। तो ये ए क्यूब के भी वैल्यू ऐसे ही साइन कोस 3 थीटा आएगी और साइन 3 थीटा आएगी, साइन 3 थीटा कोस 3 थीटा आएगी। इसका मतलब क्या है, ए एन की वैल्यू जनरलाइज फॉर्म में कितनी आएगी, जनरलाइज फॉर्म में आ जाएगी एन थीटा माइनस साइन एन थीटा और ये साइन एन थीटा और ये कॉस एन थीटा। तो अब क्या करना है, पुट एन इक्वल टू -50, तो आ जाएगा कितना, जाएगा ए की पावर -50, तो ये आ जाएगा कॉस -50 इंटू थीटा माइनस साइन -50 इंटू थीटा और यह आ जाएगा साइन -50 इंटू थीटा और जाएगा कोस -50 इंटू थीटा। तो कोस का फंक्शन तो इवन फंक्शन होता है, तो इसका तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो कोस 50 थीटा और यह आ जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, तो यह आ जाएगा प्लस साइन 50 थीटा और यह आ जाएगा माइनस साइन 50 थीटा और यह आ जाएगा कोस 50 थीटा। अब क्या है, किस वैल्यू पे निकालनी है, एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 12 पे। तो ये जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी, कोस 50 इंटू पाई आ जाएगी, वो कितनी आ जाएगी कोस 50 इंटू पाई बाई 12, यह आ जाएगा ऐसे ही साइन 50 इंटू पाई बाई 12, यह आ जाएगा माइनस साइन इंटू 50 इंटू पाई बाई 12 और यह आ जाएगा कोस 50 इंटू पाई बाई 12। तो ये सारे कट जाएंगे तो यार कितना जाएगा एंगल, कोस 25 पाई बाई 6, यह आ जाएगा साइन 25 पाई बाई 6, ऐसे ही आ जाएगा माइनस साइन 25 पाई बाई 6 और यह आ जाएगा कोस 25 पाई बाई 6। तो ऐसे ही अब इसको जब हम सोल्व करेंगे आगे, ए की वैल्यू -50 पर क्या आ जाएगी, तो क्योंकि 25 पाई बाई 6 क्या होता है, 4 पाई प्लस पाई बाई 6 होता है और पाई 2 पाई पीरियड होता है साइन और कोस का, तो यह आ जाएगा कोस पाई बाई 6 साइन पाई बाई 6 माइनस साइन पाई बाई 6 और यह आ जाएगा कोस पाई बाई 6। ये आ जाएगा हमारा कितना, √3/2 1/2 -1/2 √3/2 ऑप्शन ए। थैंक यू।